तो जैसे कि आपका विंड शोर बहुत सारा आता है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ बोनेट, तो लोग क्या करते हैं जब ये ख़त्म हो जाएगा, अभी देखो मेरा आधा हो गया है, ठीक है, तभी थोड़ा लेके दूर जाने वाला था, इसको टॉप अप करना होता है। तो लोग क्या करते हैं, अपना शैम्पू जनरल जो भी होगा शैम्पू मिला के डाल देंगे, ऐसा नहीं करना होता है। जो उसके कण होते हैं वो पूरा पिघलते नहीं, मतलब डिसोल्व नहीं होते, वो आपके सिस्टम में फंस सकते हैं, जैसे मोटर में हो गया, पाइप में हो गया, ज़्यादातर ये नोज़ल में फंसता है। ये आप नोज़ल देख रहे हो, कई बार ये नोज़ल में पानी आप देखा बराबर फ्लो नहीं आता, उसका कारण वही है। इसको साफ़ करना हो तो आप पतली वाली सुई लेकर भी कर सकते हो, या फिर जो ब्रेक में केबल वोबल इस्तेमाल होता है पुरानी गाड़ियों में होता था, उसके एक तार से साफ़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक मस्त सोल्यूशन, काफ़ी सस्ता है लेकिन लोग सोचते नहीं है। जैसे अभी मेरे पास ये है, ये माई TVS का है विंडशील्ड वॉशर, ऐसे ही सेम मारुति सुजुकी का भी आता है, आप ला सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं होता, इसको इसमें डाल के पानी से टॉप अप कर देना होता है, ठीक है। तो अभी इसको देखो, आधा दिख रहा है आपको, अभी तक है इसमें अपने करने वाले, इसको ओ टॉप अप करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसको खोल लो, पैकेज भी खोल लो, बस बहुत आसान होता है ये। ये देखो गिर रहा बाहर थोड़ा बहुत, टॉप अप कर लो, थोड़ा साइड से गिर गया, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको एक बोतल में भर के स्प्रे बना के आप एक ग्लास साफ़ करने के लिए, कैसे जैसे मैं साफ़ करता हूँ, ये मैं इसी में से बना लेता हूँ, ठीक है। और फिर ले लो आपका, बहुत आसान काम है, लेकिन लोग इसमें बिना वो पानी के चलाएंगे, तो आपको RO का पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये अपना टॉप अप कर लेना है। ये चीज़ कर लेने से क्या होगा, आपकी जो क्लीन करने की कैपेसिटी है ना उसकी, तो मैक्स लेवल तक मैंने भर दिया। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, इसको बहुत ट्रिकी है, मिल जाएगा आपको किसी भी लोकल दुकान से स्पेयर पार्ट की, आपके मारुति सुजुकी के शोरूम है तो वहाँ से जाके ले आओ, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, काम ख़त्म, बस ये बहुत छोटा सा काम था, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हो, ये ट्रिक अच्छी सी थी मस्त, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.